हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत फिर से लेके आ गया हूँ यूपी एनएचएम ब्रिज कोर्स कंप्लीट सोलो पेपर पार्ट 3। फ्रेंड्स, ये नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 6 है। आज के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 66, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज, जीभ का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? आंसर होता है ऑप्शन बी, ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग इज नोन एज, किसी ड्रग से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होना क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन ए, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डायबिटिक मदर से जन्मे न्यू बॉर्न में सभी रिस्क होने की संभावना है किसी एक को छोड़कर। तो डायबिटिक मदर के न्यू बॉर्न में फ्रेंड्स हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है और हाइपर बिलरुबिनिया हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रिस्क नहीं होती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट के नहीं होता है, न्यू बॉर्न के नहीं होता है, डायबिटिक मदर से जन्मे हुए न्यू बॉर्न के। तो आंसर हो जाएगा सी, हाइपर ग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस, नीचे दिए गए में से कौन सा डीएनए वायरस है? आंसर ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्वाइन फ्लू एंड सी हैज टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज, एक नर्स स्वाइन फ्लू के पेशेंट की केयर कर रही है और वो स्वाइन फ्लू को पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी दवाई देगी? तो फ्रेंड्स स्वाइन फ्लू के लिए ओसाल्टामामीर या टेम्यूफ्लू जिसका ब्रांड नेम है दी जाती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स कैन डी कॉन्टामिनेट द एचआईवी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एचआईवी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को नर्स डी कॉन्टामिनेटेड किन किन से कर सकती है इनमें से एक को छोड़कर? तो फ्रेंड्स एचआईवी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्शन के डी कॉन्टामिनेशन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और ब्यूटेल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज में लिया जाता है, इसके लिए मेथेनॉल कभी भी यूज में नहीं लिया जाता है, तो ऑप्शन बी मेथेनॉल इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट द नर्स शुड असिस्ट, स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प करते वक्त नर्स किस साइड से असिस्ट करेगी? ऑप्शन ए इज राइट, ऑन वीक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2% CPR, 2% CPR में किस तरह का रेशियो रहता है? तो फ्रेंड्स न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2% के CPR में 15.2 रेशियो रहता है, तो 15:2 का रेशियो रहता है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्प्रिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, ए स्प्रिमिया टर्म को किस रूप में यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, या ए स्प्रिमिया किसे कहा जाता है? तो ए स्प्रिमिया मीन्स अब्सेंस ऑफ सीमन, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस के लिए कौन सा वायरस वह जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस सी जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम, परप्यूरियम पीरियड की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है? तो फ्रेंड्स परप्यूरियम पीरियड की नॉर्मल ड्यूरेशन 42 डेज होती है, तो इस हिसाब से 6 वीक हो जाता है, तो ऑप्शन सी 6 वीक इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ट्विन प्रेगनेंसी के नीचे दिए गए सभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो फ्रेंड्स
ट्वीन प्रेगनेंसी के प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन भी हो सकता है, ओवुलेशन नहीं होता है क्योंकि ओवुलेशन तो पहले ही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस का कौन सा कॉमन सिम्टम्स है? मार्क्ड वेट लॉस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मेंटल स्टेटस चेंजेज, कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन ए इज राइट, मार्क्ड वेट लॉस। एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस का जो कॉमन सिम्टम्स है फ्रेंड्स, वो होता है मार्क्ड वेट लॉस। वेट लॉस बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस टर्म्ड फॉर रिमूवल ऑफ लंग्स। द प्रोसेस टर्म्ड फॉर रिमूवल ऑफ लंग्स, लंग्स को हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है न्यूमोनेक्टोमी। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज राइट हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पल्स प्रेशर रेंज इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में पल्स प्रेशर की रेंज क्या होती है? ऑप्शन बी इज राइट, 30 to 50 mm ऑफ HG। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज इज द नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स? नियोनेटल पीरियड्स 28 डेज का होता है। बर्थ से 28 डेज यानी 0 to 28 डेज नियोनेटल पीरियड्स कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूपी NHM ब्रिज कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का सोलो पेपर कम्प्लीटली पूरा कर दिया है अपने फ्रेंड्स। इस पेपर के 82 क्वेश्चंस ही अपने ले सके हैं, बाकी क्वेश्चंस अपने को मिले नहीं हैं। जैसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा ले। नेक्स्ट वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल चलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।